कर्नाटक के कारवाड़ में आईएनएस विक्रमादित्य में आग बुझाने के दौरान नौसेना अधिकारी शहीद हो गए। रतलाम निवासी नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान 30 साल के थे। लेफ्टिनेंट कमांडर चौहान ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए तत्काल आग पर काबू पा लिया और युद्धपोत को गंभीर नुकसान से बचा लिया, लेकिन इस दौरान धुएं की वजह से वो बेहोश हो गए और तत्काल नौसेना के कारवाड़ अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे और 46 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो युद्धपोत को जो है गंभीर नुकसान से बचाया गया उनकी ओर से और खुद शहीद हो गए। रतलाम से ये लेफ्टिनेंट कमांडर थे। आपको बता दें कि गंभीर नुकसान जो है युद्धपोत को हो सकता था, लेकिन 30 साल के धर्मेंद्र सिंह चौहान ने शहादत का जाम पी लिया और लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र जो है रतलाम से ताल्लुकात रखते हैं।